सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपको कई सारे अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपके आईपीओ में अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आज इस वीडियो में हम सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंपनी के फाइनेंशियल, आईपीओ डिटेल्स और मेरा क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेकर इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो जरूर करें, जहां पर न्यूज अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है। अब देखिए, जो कंपनी है देखा जाए तो लाइफ साइंस से रिलेटेड कंपनी है और मेनली APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाने का ये कंपनी काम करती है। अब देखिए, 31 मार्च 2021 तक के डेटा को अगर देखा जाए तो कंपनी ने करीब 38 APIs प्रोड्यूस किए हैं और इनका जो मेन फोकस रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट दिए हुए हैं, इनका मेन फोकस इन्हीं प्रोडक्ट्स पर रहता है। अब देखिए, ओवरऑल कहा जाए तो कंपनी लाइफ साइंस से रिलेटेड कंपनी है और मेनली APIs यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रोड्यूस करने का काम करती है। अब देखिए, बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की, और फाइनेंशियल में सबसे पहले आता है एसेट वैल्यू। तो देखिए, अगर एसेट वैल्यू को देखा जाए 2019 में तो इनका 2530 मिलियन के आसपास था, वहीं अगर 2020 में देखा जाए तो 3364 मिलियन के आसपास इनका एसेट वैल्यू होता हुआ नजर आया। और देखिए, अगर देखें 2021 में तो इनका एसेट वैल्यू 4458 यानी 4458 मिलियन के आसपास होता हुआ नजर आया। यानी कि अगर आप साल दर साल देखेंगे तो इनके जो एसेट वैल्यू है, लगातार इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें रेवेन्यू की, तो देखिए, कंपनी का 2019 में रेवेन्यू 2858 मिलियन के आसपास रहा था, वहीं 2020 में 3227 मिलियन के आसपास होता हुआ नजर आया। वहीं अगर 2021 में बात करें तो 3962 मिलियन के आसपास इनका रेवेन्यू होता हुआ नजर आया। यानी रेवेन्यू भी आप देखें लगातार निचले स्तरों से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट की, जो कि किसी कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहीं 2019 में अगर इनका प्रॉफिट देखें तो 394 मिलियन के आसपास रहा था, वहीं 2020 में ये बढ़कर 733 मिलियन के आसपास होता हुआ नजर आया। वहीं 2021 में अगर देखें तो 1238 मिलियन का यहां पर प्रॉफिट कंपनी ने किया है। यानी कि अगर 2019 के मुकाबले हम 2021 के प्रॉफिट को कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि करीब यहां पर 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो काफी बेहतरीन कंपनी ने यहां पर ग्रोथ की है और कंपनी का जो प्रॉफिट है काफी बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है, जो कि एक काफी ज्यादा पॉजिटिव बात है। वहीं बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की, तो देखिए, ये जो आईपीओ है 16 से 20 दिसंबर के बीच ओपन होने जा रहा है। अप्लाई करने के लिए बुक बिल्ड इशू होगा, ₹2 प्रति इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू है, 265 से ₹274 के बीच इसका प्राइस बैंड रखा गया है, यानी ₹274 में आपको एक शेयर अलॉट होगा। लॉट साइज की बात करें तो लॉट साइज यहां पर 54 का रखा गया है, यानी मिनिमम आप 54 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग की बात करें तो BSE NSE दोनों में ही आईपीओ लिस्ट होगा। और इशू साइज की बात करें तो करीब 700 करोड़ के आसपास का ये टोटल इशू है, जिसमें से फ्रेश इशू 200 करोड़ के आसपास का, वहीं ऑफर फॉर सेल करीब 500 करोड़ के आसपास का होने वाला है। अब देखिए, रिटेल कैटेगरी के निवेशकों के लिए रिजर्वेशन भी है, लेकिन वो 10% है। यानी कि अगर 700 करोड़ का हम 10% निकालें तो मात्र 70 करोड़ के शेयर्स यहां पर हमारे लिए रिजर्व हैं। यानी कि अच्छा आईपीओ है, अच्छा खासा यहां पर लिस्टिंग गेन मिलने वाला है, इसीलिए यहां पर आपको काफी ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप अलॉटमेंट चाहते हैं तो आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके पास एक ही डीमैट अकाउंट है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से आप नया डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर बात करें टाइम टेबल की, तो ये जैसे कि मैंने बताया 16 से 20 दिसंबर के बीच ओपन होने जा रहा है, 23 को अलॉटमेंट आ जाएगा और 24 को आपका अलॉटमेंट अगर नहीं मिला है तो पैसे वापस आ जाएंगे, और अगर अलॉटमेंट मिल चुका है तो 27 को डीमेट अकाउंट में शेयर्स आपके आ जाएंगे। वहीं लिस्टिंग की बात करें तो 28 दिसंबर को इनकी जो है मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। वहीं अगर बात करें कि ये जो इशू है, ऑब्जेक्ट ऑफ इशू क्या है, यानी कि ये आईपीओ क्यों लाना चाहते हैं, आखिर कंपनी को पैसों की
की ज़रूरत क्यों है। देखिए, जैसे कि आपको पता, मैंने आपको पहले ही बताया 200 करोड़ रुपए है ये फ्रेश इशू के ज़रिए है, यानी कि ये कंपनी में जाएगा और करीब 500 करोड़ रुपए पुराने शेयर होल्डर्स या निवेशकों द्वारा यहाँ पर मुनाफा वसूली की जा रही है। यानी 200 करोड़ ही का यहाँ पर दिया हुआ है ब्यौरा कि 200 करोड़ कहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो प्रमोटर्स या शेयर होल्डर जो शेयर बेचेंगे उनको चला जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, तो इसके लिए इनको पैसा चाहिए। दूसरा, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट के लिए चाहिए। तीसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए। तो ये इन्होंने ऑब्जेक्ट ऑफ इशू बताए हैं कि क्यों ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर प्रीमियम अगर देखें तो आज के दिन प्रीमियम 260 रुपए के आसपास चल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अब 274 रुपए का इसको इशू प्राइस है, 260 रुपए का आपको प्रीमियम मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर करीब 534 रुपए पर लिस्टिंग के संकेत आज के दिन ये आईपीओ देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, कल के दिन इसका प्रीमियम पहली बार सामने आया था और 260 रुपए के आसपास ही था, यानी कि काफ़ी ज़बरदस्त प्रीमियम शुरू से ही चलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आपने कंपनी के फाइनेंशियल देखे, बाकी सारी चीज़ें कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, जिसके कारण प्रीमियम आपको काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। बस एक ही दिक्कत यहाँ पर यह है, 700 करोड़ का इशू है और यहाँ पर मात्र 10% का रिजर्वेशन है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा और बहुत ही लकी लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक और ये बात भी है कि जो पिछले आईपीओस आए थे उनका अलॉटमेंट आ जाएगा, तो पैसा रिलीज हो जाएगा, तो बहुत सारे रिटेल निवेशक यहाँ पर इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं, तो कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा होगा। अब बात आती है कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या ना करें, तो निश्चित रूप से बिल्कुल श्योर शॉट है कि आपको अप्लाई करना है। ज़्यादा लिस्टिंग गेन के लिए आपको, यानी कि भरपूर आपका पैसा डबल हो सकता है यहाँ पर लिस्टिंग के दिन। अगर मार्केट में कुछ ऐसा वैसा नहीं हुआ तो आप ये मान लीजिए कि आपको 60-70-80% का लिस्टिंग है तो निश्चित मिलना ही मिलना है। साथ ही साथ अगर मार्केट ने साथ दिया तो निश्चित रूप से 100% के आसपास भी यहाँ पर जाता हुआ नजर आ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो इशू प्राइस रखा गया है, मुझे लगता है कि यहाँ पर उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग गेन के लिए जगह छोड़ी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बनाया जा सकता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही बेसिस पर इसमें अप्लाई करने की सलाह रहेगी। फिर भी अगर आप कुछ भी करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आपको ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और अपना एनालिसिस के आधार पर मुझे जो इस आईपीओ में लगता है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो देखिए, काफ़ी बेहतरीन आईपीओ है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही बेसिस पर मेरी तरफ से अप्लाई करने की सलाह होने वाली है। तो देखिए, यहां पर हम अपडेट आपको देते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।